यूपी के फरुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकट की महापंचायत शांतिपूर्ण हुई संपन्न। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फरुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन टिकट की महापंचायत शांतिपूर्ण संपन्न। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर महापंचायत में एकत्रित हुए थे, जिसमें बहुरा का मुद्दा भी फिर से गरमाया। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकट की टीम 14 जून को हरिद्वार के लिए रवाना होगी। देखें फरुखाबाद से मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अच्छा महाराज, कर रहे हैं। हम आपको सीधी बात में ले चल रहे हैं प्रभाकांत मिश्रा के साथ। प्रभाकांत जी, 14 तारीख से सुनने में आ रहा है कि भारतीय किसान यूनियन टिकट की फरुखाबाद टीम हरिद्वार के लिए रवाना होने वाली है। यह कार्यक्रम किस प्रकार का है और कितने संख्या में फरुखाबाद जनपद से किसान यूनियन से संबंधित कार्यकर्ता या अधिकारी हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर सकते हैं? ये हर साल की बात है, जो साल में 6 महीने हरिद्वार में और 6 महीने इलाहाबाद में जो शिविर लगता है, किसानों का प्रशिक्षण होता है, पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होता है, उसी को लेके हरिद्वार में 16, 17, 18 तीन दिन का शिविर है। वो 14 तारीख को यहाँ किसान निकलेगा, 15 को वहाँ पहुँचेगा, अपना गंगा स्नान करेगा, घूमेगा और तीर्थ जो हैं उनको देखेगा और 3 दिन हमारे शिविर में रहेगा। जो टिकट साहब उनको प्रशिक्षण देंगे और हसा लगता है। इसमें कम से कम किसान जिले से 300 किसान जाएगा, जो ट्रेन द्वारा 6 बजे यहाँ प्लेटफार्म से बैठेगा और वहाँ सुबह 6 बजे हरिद्वार पहुँच जाएगा। ये फ्री सेवा है, वहाँ खाने के लिए फ्री है और ट्रेन पे यात्रा फ्री है। अब आप जी कहेंगे कि यात्रा ट्रेन से फ्री, अरे ट्रेन तो हमारे खेतों से वो गुजर से निकली है। अगर किसान एक दिन ट्रेन पे चलता है तो फ्री नहीं माना जाता, सारे खेत चले गए हमारे ट्रेन की पटरियों में। तो इसलिए टिकैत साहब से हमारे किसानों ने कहा था कि ट्रेन फ्री हो जाए। टिकैत साहब ने प्रस्ताव रखा, उस समय नरसिम्हा राव सरकार थी और रेल मंत्री ने ये कह दिया था कि आप अपनी रैली में, वैसे नहीं फ्री जा सकते हो, रैली में फ्री जा सकते हो तो किसान आराम से ट्रेन बैठ करके फ्री जाएगा। आपने प्रशिक्षण शब्द कहा है, आखिर प्रशिक्षण किस प्रकार की इस कार्यक्रम के दौरान दी जा सकती है? प्रशिक्षण ये बात है कि आंदोलन कैसे करेंगे और संगठन को कैसे चलाएंगे, ग्राम अध्यक्षों की क्या रूपरेखा होगी, सारा प्रशिक्षण यही किसानों को वहाँ शिविर में दिया जाएगा। क्या दायित्व हैं ग्राम अध्यक्ष के, क्या दायित्व हैं ब्लॉक अध्यक्ष के, क्या दायित्व हैं जिला उपाध्यक्ष जी के, क्या दायित्व हैं जिला अध्यक्षों के, इसलिए यही सिखाया जाएगा कि तुम्हें इस भूमिका में ये तुम्हारे दायित्व हैं, इसी को लेकर प्रशिक्षण होगा। हम ऐसी ही रोचक खबर आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फरुखाबाद। और हमारे जिले के संरक्षक करना साथ जी, हमारे जिले के सचिव भाई, हमारे बड़े भाई कृष्ण गोपाल मिश्रा जी और हमारे जिला प्रवक्ता अजय कटियार जी, हमारे जिला सचिव भाई बिहारी कटियार जी। सौभाग्य मानूंगा जहांगीर क्षेत्र के किसानों के लिए कि वो इतना व्यस्त होते हुए भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ज्ञापन के जो बिंदु है, मैं एक बार उनको बिंदु बार अवगत कराता हूँ। हमारा पहला बिंदु है, महोदय, ब्लॉक मोहंदाबाद ग्राम सभा बरा केशव की वोटिंग हो चुकी है, वहाँ पर वोटिंग के आधार पर चकबंदी निरस्त की जाए एवं ग्राम सभा सिनोड़ा पृथ्वी की वोटिंग के आधार पर चकबंदी की जाए। दूसरा बिंदु है, ब्लॉक कमालगंज ग्राम सभा मॉडल शंकरपुर में परिवार नियोजन के तहत पट्टे किसानों को दिए गए थे, जिनको निरस्त कर दिया गया था, उन्हें पुनः पात्रता के आधार पर बहाल किए जाएं। तीसरा हमारा बिंदु है कि जनपद में आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है,
विशेष नीति के तहत छोटा पशुओं को गौशाला पहुंचाने के लिए व्यवस्था की जाए एवं किसानों की फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चौथा हमारा बिंदु है कि वर्तमान समय में नेशनल हाईवे 730 सी बेवर से अलागन मार्ग के दोनों तरफ सीसी ब्रिज का कार्य हो रहा है। जो भी संस्था इस कार्य को कर रही है वो गुणवत्ता रहित बेवर ब्रिज लगा रही है। उपरोक्त कार्य को अविलंब रोका जाए एवं ब्रिज की जांच कराई जाए, उसके उपरांत भी मानक के अनुसार ब्रिज बिछाई जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों का आवागमन होता है जिस कारण ब्रिज बहुत जल्दी टूट जाएगी। हमारा पांचवा बिंदु है फरुखाबाद जनपद में विभिन्न बैंकों द्वारा किसानों को क्रेडिट कार्ड के तहत जो धनराशि लोन के रूप में आवंटित की गई है, उपरोक्त धनराशि को चुनाव के तत्काल बाद किसानों की आर्थिक काटी जा रही है, जो नितांत गलत है। अगर किसानों के किसी भी लोन के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक काटी जाती है तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत इसका पुरजोर विरोध करेगी। ऐसी तहसीलों और बैंकों का घेराव होगा जो इस कार्य में संलिप्त होगी। विदित है इस समय किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है। जनपद में बाढ़ का भारी प्रकोप रहा है जिस कारण लोन की धनराशि किसानों द्वारा अभी तत्काल दिया जाना संभव नहीं है। हमारा छठा बिंदु है लाख कमालगंज के अंतर्गत ग्राम जहानगंज के निवासी श्री सुभाष चंद कटियार आदि की गाटा संख्या 82/1 की जो 45 डिसमिल भूमि जहानगंज थाने के अंदर है, जिसकी पैमाइश राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है, उस जमीन को तत्काल उन्हें कब्जे में लिया जाए, क्योंकि इस समय उनका पूरा परिवार उपरोक्त प्रकरण को लेकर तनावग्रस्त है। हमारा सातवां बिंदु है ब्लॉक कमालगंज के अंतर्गत जहानगंज ग्राम सभा में 2 तालाब है। उन दोनों तालाबों के चारों तरफ ग्रामीण निवास करते हैं। बरसात के मौसम में तालाब में पानी भर जाता है जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो जाता है और मच्छरों के प्रकोप के कारण डेंगू भी फैलता है। पिछले वर्ष भी स्वास्थ्य टीम द्वारा दवा का छिड़काव हुआ था और उससे कुछ पूर्व डेंगू से कुछ मौतें भी हुई थी। पानी का निकास ना होने के कारण ग्रामीणों को काफी समस्या होती है। बरसात से पूर्व पानी निकास के बाबत नाला बनाकर समुचित व्यवस्था की जाए। हमारा आठवां बिंदु है कटनी क्षेत्र में तरबूज एवं खरबूजे की फसल नष्ट हो चुकी है बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण। गंगा जी में पानी बढ़ जाने के कारण भी कटनी क्षेत्र में स्थित कुछ फसलों को नुकसान हुआ है। किसानों को हुए इस नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक द्वारा दी गई धनराशि की वसूली तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। हमारा नवा बिंदु है कि आज एक घटना घटित हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है। दिनांक 12/6/2024 को यूपी के हरदोई में सड़क के किनारे झोपड़ी पर बालू भरा ट्रक पलट जाने से एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत का समाचार प्राप्त हुआ। महोदय फरुखाबाद में भी मसेनी कादरीगेट मार्ग के मध्य स्मार्ट पॉइंट के ठीक सामने नागर समुदाय के तमाम लोग जानू सागर मोनू सोनू अर्जुन आकाश करण रोड के किनारे झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। इसी तरह से आवास विकास में दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने लोहिया हॉस्पिटल की दीवार के किनारे वर्षों से राकेश सौरभ गीता झोपड़ी डाले परिवार सहित रह रहे हैं और ऐसा आलम लगभग जनपद की विभिन्न रोडों पर है। मुझे लगता है कि जो पीएम आवास मिलता है इस रोड के किनारे झोपड़ी डाले लोगों को मिलना अति आवश्यक है। ऐसे रोड के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले लोग भूमिहीन है, उन्हें कहीं पास के गाँव में पट्टा आवंटित कर आवास देना आवश्यक है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत आपके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराती है, मांग करती है कि वे एक टीम बनाकर पूरे जनपद में ऐसे गरीब लोग जो झोपड़ी डालकर निवास कर रहे हैं उनका चिन्हांकन किया जाए और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाया जाए जिससे दुर्घटना के शिकार होने से ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। हम यहाँ उपस्थित किसान और भारतीय किसान यूनियन टिकैत इन सभी बिंदुओं पर आपसे तत्काल अतिशीघ्र मांग करती है कि इनका निस्तारण किया जाए। हमारा एक ज्ञापन और है जो राष्ट्रीय स्तर का है, जो जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति भारत सरकार भारत को जाना है। हमारा उसमें बिंदु ये है कि अवगत कराना है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे तैनात CISF की महिला जवान श्रीमती कुलविंदर कौर, जो कि कंगना रनौत के थप्पड़ मारने के मामले में निलंबित की जा चुकी है,
उनको उनके पद पर बहाल किया जाए एवं कंगना रनौत जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए गलत बयानबाजी करते हुए कहा था कि किसान आंदोलन में जो महिलाएं भाग लेती हैं वो 100-100 रुपए में आती हैं। उपरोक्त गलत बयानबाजी को लेकर कंगना रनौत तत्काल माफी मांगे, भारतीय किसान यूनियन मांग करती है। तो हमारे इलाज आने वालों ने किया, ये छोटी सी बात है। अरे किसी को बुला लेते एडीएम साहब जब थे तहसीलदार साहब से बुला करके कानून को लेखपाल बुलवा लेते और जमीनी की नपाई करा देते, क्या फर्क पड़ता? इतना बढ़ा दिया। अरे मेरे बाप के पास में सब कुछ कागज है, इतना बढ़ाने क्या जरूरत थी? कोई मतलब नहीं थी। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं उम्मीद करूंगा अपने थाने वालों से कि कभी ऐसा काम न करें जिससे हमारे एडीएम महोदय को आना पड़े और कार्य पड़े। आज की तो सभा है, मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।